भारत सरकार ने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत को बाल वीर दिवस के रूप में घोषित किया, जिसके संबंध में मोहद्दीपुर गुरुद्वारा समिति के सचिव सरदार मनमोहन सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसकी मांग हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इसके लिए हम लोगों की बातों को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया था, क्योंकि प्रदेश व केंद्र सरकार ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों के शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसकी मांग हम लोग पिछले कई सरकारों से करते आ रहे थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी व प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, तब से उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के चारों साहिबजादों को माना है कि ऐसी शहादत ना कोई दे पाएगा। उनकी शहादत को मानते हुए वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके लिए पूरे सिख समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मोहद्दीपुर गुरुद्वारा समिति के सचिव सरदार मनमोहन सिंह ने कहा, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का तहे दिल से सिख समाज की तरफ से, पंजाबी समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो इन्होंने दशमेश पातशाह के साहबजादों के शहादत को बाल दिवस के रूप में आज का दिन घोषित किया है। इसकी मांग पिछले कई सरकारों से हम करते आ रहे थे, पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। पर जब से इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए हैं, उन्होंने उस शहादत को कबूला है, माना है कि ऐसी अद्वितीय शहादत ना किसी ने दी है ना कोई दे पाएगा, और उन्होंने शहादत को योदान को नमन करते हुए उस भावनाओं को, समाज की भावनाओं को देखते हुए आज के दिन को बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। मैं उनका पूरे घर की तरफ से, पूरे विश्व की सिख समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।